हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग टिकटॉक पर प्रोफेशनल वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं जिससे आप लोग जल्द से जल्द फेमस हो सकें। और आप लोगों को फुल डिटेल बताई जाएगी, फुल गाइड करूंगा आपके साथ कि आप लोग किस तरीके से टिकटॉक पर वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग न्यू हो और आपको पता नहीं है कि हम लोगों को टिकटॉक वीडियोस कैसे बनानी है ताकि आप लोग जल्द फेमस हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है, और अगर आप लोग एक स्टेप भी मिस करोगे इस पर, मैं ये बता दूं कि स्लो मोशन कोई भी चीज़, बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज किया जाता है बगैर ग्रीन स्क्रीन के, और आप लोग किस तरीके से मतलब भी एक प्रोफेशनल वीडियो बना सके, स्लो मोशन और स्पीड वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं, और अपना साउंड कैसे लगा सकते हैं, कोई भी साउंड आप लोग लगा सकते हैं, किसी भी टिकटॉक से आप उठा के अपनी वीडियोज में साउंड भी लगा सकते हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं। पास मोबाइल ओपन हो चुका है और आपको अपने मोबाइल में टिकटॉक कर लेनी है इंस्टॉल। उसके बाद आप लोगों ने ओपन कर लेनी है टिकटॉक। टिकटॉक को दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो आप हमारे पास दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर टिकटॉक एक ओपन हो चुकी है और आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर इसे स्टॉप किया है, और आपको मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो इसके दौरान मैं ये वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियोस क्रिएट की है, बनाई है, उसी तरीके से आपको भी बनाने का तरीका बताऊँगा। उसमें मैं ये भी बताऊँगा कि हेयर स्टाइल आप लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपना घर बैठे, और बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, और अपनी आइज़ का जो कलर है मतलब भी अब कोई ग्रीन हो सकता है, कोई रेड हो सकता है, कोई सफ़ेद, कोई भी मतलब कलर आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक करके आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके दौरान दोस्तों आप लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तमाम फ्यूचर्स आपको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने एक टिकटॉक बना लेनी है। वो कैसी टिकटॉक बनानी है, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपलोड कैसे करनी है, उसमें हैशटैग किस तरह से लगाने हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने माई अकाउंट में चले जाना है। उसके बाद माई अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक नीचे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आप लोगों ने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा जो कि आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो कि कलर था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है, और काफ़ी कमाल का भी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तीन ऑप्शंस देखने को मिलेगा, ये एक बार मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर चार पांच ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कौन से ऑप्शन दिए गए हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये स्पीड, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये दो ऑप्शन जो कि सफ़ेद कलर जो है ये नॉर्मल है, जो कि वीडियो को बिल्कुल जिस तरीके से आप लोगों ने प्ले किया है या बना रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और अगर आप लोग उसे स्लो मोशन में अगर बनाना चाहते हैं तो इधर साइड पे आप लोगों को एक साइड पे दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लोग स्लो मोशन में बना सकते हैं, और इधर साइड पे आप लोग बिल्कुल जो कि स्पीड होती है ज़्यादा, जितनी भी स्पीड आप लोग करना चाहते हैं वो इधर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सब बताऊँगा, एक सेकेंड वेट करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग अगर अकेले वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक टाइमर का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक करके 3 सेकंड का टाइम लगा सकते हैं। तो आप लोग पीछे से आएंगे तब आप लोग वीडियोस आसानी से बना सकते हैं प्रोफेशनल। उसके बाद अगली बात दोस्तों ये है कि आप लोग अपना और किसी का भी साउंड किस तरीके से लगा सकते हैं मैं बताता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले पीछे आए, पीछे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अब कोई भी वीडियो आप लोगों ने प्ले कर ली,
तो अब दोस्तों इसका साउंड लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसका ओरिजिनल साउंड है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों ने एक दायरा सा दिखेगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। कोई भी आप लोग किसी भी वीडियोस का साउंड लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे ही आपको एक यूज़ दिस साउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग इस पर क्लिक करके अपनी वीडियोज़ में साउंड लगा सकते हैं। उसके दौरान दोस्तों आप लोगों का साउंड बिल्कुल लग चुका है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऑडियो सॉन्ग होते हैं और ये लग चुके हैं। अगर आप लोग अपना लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस साउंड पे ही क्लिक करिएगा। उसके बाद इस साउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ही एक माई साउंड का ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपने गैलरी में सेव किए हैं या आप लोग टिकटॉक्स के भी सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों माई साउंड वाला ऑप्शन आपको ऊपर दिखेगा, तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी साउंड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास अभी दो साउंड यहाँ पर मौजूद हैं, तो दो आप लोग इस पर क्लिक करके ऐसे क्लिक करोगे और उसके दौरान दोस्तों आपका जो कि साउंड है वो यहाँ पर टिकटॉक यहाँ पर चेक मार्क का निशान आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके भी आप लोग इसे अपना साउंड लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा किसी का भी साउंड आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी और का मैंने साउंड लगा रखा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक पेज देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अगर अपलोड करना चाहते हैं वीडियो किसी की भी करना चाहते हैं, अब मतलब मैंने दोस्तों यहाँ पर कोई भी वीडियो बनाना चाहता हूँ या पहले से ही मैंने, क्योंकि मैं पहले से एक वीडियो बना रखी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब करूँगा अपलोड पर क्लिक। अपलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है टिकटॉक पे, तो यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन करके भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो अभी दोस्तों एक सेकेंड मैं इसका जो कि साउंड है थोड़ा सा ओपन कर दूँ और चेक करें, एक सेकेंड वेट करें। अभी दोस्तों आप लोगों ने चेक किया कि मेरी जो आईज है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और मैंने अभी वीडियो बनाई है, आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अब मैंने इसे अपलोड कैसे करना है, मैं वैसे ही बना के एक बार सेकंड की वीडियो बना के आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन आप खुद बनाएंगे सेव तो नहीं करेंगे, गैलरी में अगर अपलोड होगी तो सेव होगी। तो आप दोस्तों यहां पर देखें, अब मैं बनाता हूं वीडियो। भाई, तुम मुझे 100 रुपया दे, मैं तुझे लाखों रुपए की। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग वीडियो भी बना सकते हैं, किसी का भी साउंड लगा के तो आप लोग वीडियो टिकटॉक पर बना सकते हैं। उसके बाद बात आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर कि आप लोगों को अब अपलोड कैसे करूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको एक छोटा सा यहाँ पर टिक, जब आप वीडियो बना लेंगे जो कि साउंड अब मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी इसीलिए मैंने कोई बोला नहीं है, तो पहले जो मैंने वीडियो बनाई आपको दिखा भी दी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चेक मार्क निशान दिखेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगा प्रोसेस, एक बार मैं आपको बता दूं कि अपलोड कैसे करें, इस तरीके का आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके का पेज, और यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोगों ने नीचे क्लिक करके तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन जो कि आप लोग इसका टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखने के बाद हैशटैग कोई भी लगा सकती हैं आप लोग अपनी मर्जी के जो वायरल चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, मतलब भी वायरल हैशटैग कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं इस तरीके से दोस्तों, और टाइटल लिख देना है आप लोगों ने, मतलब भी इसका कोई टाइटल था कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब भी मैंने अभी तक इतना इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रैक्टिस करके आप लोगों ने वीडियोस बनानी है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पीछे, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि आप लोगों को यहाँ पर पेज मिलेगा यहाँ पर कि आप लोगों को स्पीड स्लो और ज़्यादा और कम करने के यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लोग दरमियान में भी रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन कि हम लोग मतलब ये कि इसके फ्यूचर जाने कि क्या हम लोग अपनी आईज को चेंज करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देख लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन हमें मिलता है ट्रेंडिंग, दूसरा ऑप्शन न्यू, उसके बाद अगला ऑप्शन इंट्रैक्टिव, मुझे नहीं पढ़ना आता,
उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यार यहाँ पे ट्रेंडिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने जो अपनी आइज चेंज की थी वो कहाँ से की थी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर दूसरी लाइन में चौथा ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। इस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों मेरी आइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेरी जो आइज हैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। और मैं अगर इसे हटाऊं तो आप चेक करेंगे खुद ब खुद कि मेरी आइज जो है वो बिल्कुल सेफ हो चुकी हैं। सेफ नहीं मतलब भी इनसे जो भी कलर था वो साफ हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्यूचर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यार सॉरी तो ये लगा लो। तो उसके बाद दोस्तों आप कोई भी फ्यूचर्स लगा सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नीचे आपको डाउनलोड भी करने पड़ते, डाउनलोड करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आइज के एक और ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो बिल्कुल ये भी इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड का जो कि ऊपर आप लोग एक लाइटिंग सी दिखेगी, मतलब ये अच्छी प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ऐसी कमाल की वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख अभी चेक करें, तो इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। सॉन्ग लगाएं, उसको रोकें और फिर लगाएं, रोक के, तो बिल्कुल इस तरीके की भी वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। अब अगला ऑप्शन दोस्तों हमें मिलेगा इस तरीके का कि अब बैकग्राउंड बिल्कुल बगैर स्क्रीन के मतलब भी मैं चेंज कर सकता हूँ। साइड पे आ जाता हूँ यहाँ पर और आप लोग देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल चेंज, मतलब ग्रीन स्क्रीन जो था वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी ग्रीन स्क्रीन के पास, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर्स जान चुके हैं। अब न्यू पे क्लिक करते हैं दोस्तों, न्यू पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा कि यहाँ पर हम लोग कोई भी अपनी गेम खेलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से, अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी देखते हैं क्या बनता है जी। अभी इस तरीके से आप लोगों को 18 पॉइंट्स होते हैं, 18 स्कोर होता है और आप लोग इस तरीके की गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को काफ़ी तरीके, मतलब भी अभी मैं इसे नहीं खेलना चाहता। वाओ 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 इस तरीके से बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और आपको आगे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को, एडिटिंग का ऑप्शन, फनी का ऑप्शन, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आप लोग यहीं से अपने टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। और अपलोड करने का तरीका भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद आप लोग बैकग्राउंड जो कि कैमरा होता है उससे वीडियो नहीं बनाई जाती। और उसके बाद हम लोग अब चलते हैं जी पीछे थोड़ा सा, और पीछे जाने के बाद दोस्तों हम लोग अभी तो इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ब्यूटी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो आप ब्यूटी भी मतलब भी लगा सकते हैं। और स्पीड इसकी यहाँ से क्लिक करके स्पीड पे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बिल्कुल। और कटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग पढ़ के तो बना सकते हैं इस तरीके की प्रोफेशनल वीडियो। और आप लोगों ने मेरी प्रोफेशनल वीडियो भी चेक कर ली होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना।